12th क्लास का आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी इधर ध्यान दें, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य का रोग के अंतर्गत कैंसर। बताया मैंने, एड्स बताया, बहुत सारी चीजें आपको बता दी। आज हम देखेंगे एडोलेसेंस, किशोरावस्था। क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप इस उम्र से अभी गुजर रहे हैं, किशोरावस्था से एडोलेसेंस से। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं हमारे साथ में, हमारा शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, हमारा मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो रहा है? हम खुल के किसी से बात नहीं कर पाते हैं कि क्यों इस तरह की समस्याएं आ रही है। हमारे शारीरिक विकास से संबंधित हमको कोई समस्या लग रही है, कुछ रोगों से संबंधित लग रही है, कुछ जननांगों से संबंधित लग रही है, कुछ यौन संक्रमित रोगों से लग रही है, तो हम खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस अवस्था से गुजर रहे हैं किशोरावस्था में, उसमें कुछ इस तरह के लक्षण बच्चों में विकसित होते हैं कि वो खुलकर बात नहीं करते। और जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे, आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप वॉच नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इस अवस्था को नाम दिया गया है क्रांतिक अवस्था। ठीक है, उत्पत्ति इसकी जो है लैटिन शब्द एडोलिसियर से हुई थी, एडोलेसेंस, इसलिए इसकी उत्पत्ति एडोलिसियर शब्द से हुई। अर्थ इसका है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आप बच्चे थे, 9th क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं, हम स्वयं देखते हैं कि आप छोटे से दिखते हैं, यहाँ से जब आप जाते हैं 12th करके, तो आपकी एक मैच्योरिटी हो जाती है, पूरा परिपक्वता की ओर आप बढ़ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, क्योंकि आप सीधे कॉलेज में एंट्री करते हैं। इस बीच में आप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आप खुद भी वॉच करते होंगे कि आप 9th में आए थे और 12th में जब यहाँ से जाते हैं, तो आप में कितने विकास होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, शारीरिक और मानसिक। अब अर्थ इसका है परिपक्वता की ओर बढ़ना। और एक साइंटिस्ट थे, है ना, इन साइंटिस्ट के अनुसार, कारमाइकल के अनुसार, जीवन का वह समय जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति, मतलब जब आप इमैच्योर रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, अब 8वीं के बाद अब 9th में आते हैं, है ना, तो अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक चरम सीमा, मतलब अंतिम क्लाइमैक्स की ओर अग्रसर होता है, तथा क्रियात्मक दृष्टि से उसमें यौनारंभ, प्यूबर्टी अवस्था कहते हैं जिसको, यौनारंभ, जैसे आप हो गए यौन अवस्था में, के साथ संतान उत्पत्ति की क्षमता विकसित हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शासन ने शादी की उम्र तय कर रखी है ना, इसीलिए तय कर रखी है कि जब यौना आरंभ हो जाए, प्यूबर्टी की अवस्था हो जाए, तब तक बाल विवाह अपराध है, उसको हम जो है अपराध मानते हैं, क्योंकि उस समय तक उनका विकास ही नहीं होता है, बच्चे विकसित ही नहीं हो पाते और पेरेंट्स कर देते हैं, तो ये क्षमता विकसित हो जाती है। अब शारीरिक विकास और मानसिक विकास, दो प्रकार का विकास देखा गया है किशोरावस्था में। क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था क्या है, इसमें बच्चों में, अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि मैं केवल प्रॉपर, चूंकि हमारा विद्यालय बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, लेकिन लड़कियों का स्कूल, लड़कियां और लड़के दोनों किशोरावस्था में आती है, दोनों में किशोरावस्था आती है, उनको किशोरियां कहते हैं, ये किशोर तुम लोग, है ना। तो हम कॉमन बात करेंगे यहाँ पे कि शारीरिक विकास में क्या होता है उनमें। अब आपने खुद ने देखा होगा कि आप 9th क्लास में जब आए थे, तब आपके मूछें वगैरह नहीं आती है, दाढ़ी नहीं आती है, आपकी आवाज एक नॉर्मल बच्चे जैसी रहती है ना। लेकिन धीरे 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 आप जब 10th में आते हैं, अपने आपको थोड़ा बड़ा समझने लगते हैं, 11th में आते हैं और मैच्योर समझने लगते हैं, 12th में आते हैं तो आपका बहुत अच्छा सर्कल बन जाता है, आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलते जुलते हैं, सबको देखते हैं, तो आपको लगता है अरे इसकी इतनी दाढ़ी आ रही है, इसकी इतनी मूछे आ रही है, मैं तो बच्चों जैसा, मेरी तो दाढ़ी मूछे ही नहीं आई। आवाज आप देखेंगे किसी बच्चे की आवाज में कितना चेंजेस आ जाता है, बहुत एकदम भारीपन आ जाता है, उसकी मसल्स विकसित हो जाती है ना। अब क्या होता है, किसी बच्चे की दाढ़ी भी नहीं आती, मूछे भी नहीं आती, आवाज भी बच्चों जैसी रह जाती है, उसकी बॉडी भी नहीं बन पाती है, तो वो दूसरों को देख के उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन भावना आती है, उसको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो आपको मैं आज यहाँ बताऊंगी। अब ये जो शारीरिक विकास में क्या होना चाहिए इस उम्र में, है ना, वो हम देखेंगे। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास का मतलब है कि महिला जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं किशोरियों, उनमें भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकास होते हैं, स्तनों का विकास होना, है ना। फिर उसके बाद में अन्य, जैसे आप लोगों में जो आवाज का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछों का विकास होना, है ना, छाती पर बाल आना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो सामान्य रूप से बच्चों में दिखाई देते हैं और दिखाई देना भी चाहिए।
तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, नर जननांग मादा जननांगों का अलग अलग विकास होना नर में और मादा में, ये सब लक्षण यहाँ पर विकसित होते हैं। किशोरों के वृषणों में जो टेस्टिस है, मैंने आपको समझाया है नर जनन तंत्र का चित्र, मादा जनन तंत्र का चित्र, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये सारी प्रोसेस किशोरावस्था में ही शुरू होती है, इससे पहले शुरू नहीं होती है। तो किशोरावस्था में पुरुषों में क्या होता है, वृषण में शुक्राणु जनन प्रारंभ होता है और शुक्राणु का निर्माण वीर्य बनेगा, तभी तो वीर्य में शुक्राणु रहते हैं, तो वीर्य का निर्माण चालू हो जाता है, मतलब वो अब किशोरावस्था में आ गया है। और ये होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही है कि जिसके कारण पेरेंट्स जो है, हस्बैंड वाइफ है ना, जो दंपति होते हैं, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पहले कभी इतना ऐसा नहीं होता था कि डॉक्टर के पास बच्चे के लिए जाना पड़ता था कि हमको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। आजकल क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में अपने डाइट का, अपने खाने पीने का एक संतुलित आहार जो होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है ना, सब लेना चाहिए, वो नहीं खाते हैं। उनको क्या चाहिए, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, समोसा, कचौरी, बाहर की चीजें खाना, ऐसी पौष्टिक आहार कम जो है बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है, तो जिसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही है। तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ज्यादा करने लग गए, नशा व्यसन इसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो है इसमें होना जरूरी है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, और यहाँ पे ये शुक्राणु जनन की क्रिया पुरुषों में, स्त्रियों में, किशोरियों में अंडाशय का विकास होता है, उसमें अंडाणु जनन की क्रिया होती है और अंडाणुओं का निर्माण होता है, ये समझा चुकी हूं मैं आपको। और इसके अलावा रजोधर्म या मासिक चक्र, ये भी बता दिया आपको मैंने, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्त्रियों में होता है, लड़कियों में होता है ना, और उसके दौरान जो है 4 दिन तक वो पूरा चक्र चलता है, तो ये सारा जो है एक उम्र के समय इस किशोरावस्था में होने वाली जो है एक प्रोसेस है, और ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है, मतलब आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप में शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको या तो आप खाने पीने में ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है आपका, या फिर आप अपने दिनचर्या जो है वो बिल्कुल आपकी सुनियोजित नहीं है। तो आजकल क्या होता है, जैसे मैं सामान्य उदाहरण बताती हूँ, मैं अपने बच्चों का ही बताती हूँ कि आप गिलकी, तिरोई, लौकी, पत्तेदार सब्जियां, बच्चों को यदि आप अच्छे तरीके से बना के खिलाएंगे तो बच्चे खाना पसंद करेंगे। लेकिन कई कई घरों में बच्चियां बहुत ज्यादा, उनके नखरे होते हैं, नहीं खाती है, सब्जियां नहीं खाएंगे, अचार से खा लेंगे है ना, आलू बना के दे दो, और बहुत सारी चीजें से फल है, फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स बाजार से लाके पिएंगे। लेकिन जिसमें आपको प्रॉपर विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, वो चीजें अगर आप नहीं लेंगे तो उसका असर आपको आपके शारीरिक विकास पे दिखाई देगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बताऊंगी, इसको देखिए आपको समझ में आएगा कि हमको क्या चीजें लेना चाहिए। इसमें देखिए आप सबसे पहले, अब ये विटामिन्स हैं, हमको पता नहीं होता है, देखो विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, बच्चियां भी जो मेरी वीडियो देखें वो जरूर देखना कि विटामिन ए लेने से सामान्य दृष्टि, हमारी दृष्टि जो होती है आंखों की, उसके लिए बहुत जरूरी है, प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कंकाल विकास के लिए बहुत आवश्यक है। काय में मिलता है ये, यकृत तेल, लीवर के उसमें, अंडे की जर्दी में है ना, मक्खन, गाजर, आम, पपीता, कद्दू, दूध, मछली, गहरी हरी सब्जियां। अब कितना सारा खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, जो अभी तक नहीं खाता था वो आज से शुरू करे विटामिन ए के लिए, और इतनी चीजें आपको मिलेगी, इससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, आपको सामान्य दृष्टि आपकी अच्छी मजबूत होगी, कंकाल विकास मतलब आपकी बॉडी, हड्डियां ये भी मजबूत होगी। विटामिन डी, बहुत ज्यादा कमी आ रही है आजकल विटामिन डी की, क्योंकि लड़कियां जो है पूरा मुंह पे चेहरे को बांध के बाहर निकलती है, धूप चेहरे पे लगने नहीं देते हम, तो उससे विटामिन डी जो होता है उसकी कमी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा हड्डियों की जो बीमारियां हो रही है वो विटामिन डी की कमी से हो रही है। कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के लिए बहुत आवश्यक है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, पनीर से मिलता है, मक्खन से, और मार्गरीन, मछली, दूध, अनार, और सबसे मेन इसका स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, धूप जो मिलेगी तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। विटामिन ई,
जनन के लिए आवश्यक। आप देखिए कि क्या हो रहा है, आजकल जनन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने बताया आपको बार बार, बहुत अहम समस्या है ये अभी वर्तमान की ज्वलंत। तो इसमें देखिए आप, जनन के लिए आवश्यक विटामिन ई, वसा में घुलनशील प्रतिऑक्सीकरण, तंत्रिका तंत्र के लिए भी। अभी किससे मिलता है? गेहूं, द्रव फल, कद्दू के बीज, सूरजमुखी का तेल, तिल, वनस्पति तेल। तो आपको ये सारी चीजें उपयोग में लेना है। सरसों का तेल भी उपयोग में लेना चाहिए। ठंड है, अभी ठंड का सीजन स्टार्ट हो रहा है, सब्जियां सरसों के तेल में बनाइए, है ना। विटामिन के जो होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए, थ्रोम्बिन का उत्पादन करता है, अस्थि निर्माण के लिए है। ये गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत आएगी अभी, सारी सब्जियां, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, पालक, मेथी है ना, बथुआ, सब ये खाइए, इनकी सारी सब्जियां खाइए। अंडे की जर्दी, मक्खन, वसा, यकृत, जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों है उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप ये सारी चीजें लीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील, वो सब वसा में घुलनशील विटामिन थे। अब जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन B1 थायमिन, ये थायमिन में आप देखिए, विटामिन B1 थायमिन में देखिए, इधर देखो आप, चलो इधर इधर आपके पीछे पकड़ लो। विटामिन B1 थायमिन में ऊर्जा उत्पादन चक्रों में जो है, इसमें देखिए आप, ऊर्जा उत्पादन चक्रों में मदद है ना, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें RNA और DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक। अब ये RNA और DNA संश्लेषण के लिए देखिए आप, इसमें RNA और DNA संश्लेषण में आप देखिए कि इसमें RNA DNA संश्लेषण में क्या होता है, DNA का निर्माण, RNA का जो हमारे न्यूक्लियक अम्ल है ना, इस न्यूक्लियक अम्ल में आप देखिए RNA DNA में, तंत्रिका तंत्र कार्य, ये तंत्रिका तंत्र के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए, सुअर का मांस, अब ये तो हम खा नहीं सकते, चावल, गेहूं, द्रव फल, फलियां, फल, सब्जियां, बहुत सारी वेजिटेबल्स है, बहुत सारी सब्जियां है, इन सबको आप लीजिए। इनसे बहुत ज्यादा आपको जो है विटामिन B1 मिलेगा। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, ऊर्जा उत्पादन अमीनो अम्ल का उपापचय, ये ऊर्जा का उत्पादन अमीनो अम्ल जिससे हमारे प्रोटीन मिलेगा, हड्डियां मजबूत होगी, ऑक्सीकरण उत्सेचन अभिक्रियाओं के लिए उपयोगी, दृष्टि के लिए आवश्यक। ये किससे मिलेगा? B2 दूध, दुग्ध उत्पादन, गहरी हरी सब्जियां, संपूर्ण अनाज, यकृत। तो आप इसको जरूर लीजिए, बटर वगैरह सब में पाया जाता है। विटामिन B3 ऊर्जा उपापचय के लिए इम्पोर्टेंट, DNA के लिए, अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए, अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, गेहूं, सोयाबीन, मुर्गी, जो नॉनवेज खाता है उनके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। B12 की बहुत कमी रहने लग गई है आजकल, विशेष करके महिलाओं में, तो ये सब चीजें उनको जरूर लेना है। किशोरियों को कह रही हूं मैं, उनको ध्यान दें। विटामिन B9 DNA RNA का निर्माण, लाल रक्त कोशिका परिपक्वता, जनन के लिए महत्वपूर्ण। अब ये भी जनन के लिए महत्वपूर्ण, फॉलिक अम्ल जिस फोलेट कहते हैं जिसको, इसमें देखिए आप, इसको एस्पोरेगस, ब्रोकली, हरी कलर की पत्ता फूल गोभी आती है, फूल गोभी, संतरे, मूंगफली, यकृत, फलियां, बीन्स, बीन्स मतलब फलियां, ये सब आपको लेना अनिवार्य है। विटामिन B12 कोशिका संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए इम्पोर्टेंट, फोलेट का पुनरुद्भवन, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट। ये मिलता है वसारहित मांस से, मछली, दूध, पनीर, अंडा, समुद्री भोजन, मुर्गी। तो ये सब आप लेंगे तभी आपका शारीरिक विकास होगा। और विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है, नींबू, संतरा, आंवला, अभी बहुत आंवले आएंगे है ना, ये हमारे कोलेजन संश्लेषण में, प्रतिऑक्सीकारक में, घाव हमारा इन्हीं से भरता है, मसूड़ों का अनुरक्षण। और अभी आपने कोविड पीरियड में देखा होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत लेने के लिए क्या कहा गया था, ये सारे खट्टे फलों में और कीवी में, मिर्च में, स्ट्रॉबेरी, पत्ता गोभी, आलू, पपीता, खरबूजा। तो ये सारी चीजें जो है आपको विटामिन्स को यदि आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपका शारीरिक विकास होगा। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को पता नहीं रहता कि किसमें क्या विटामिन्स होते हैं। प्रोटीन्स के लिए दाल लीजिए, अंडा लीजिए, पनीर लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लेते ही चावल लेते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब तरह के अनाज खाते हैं, तो ये सारा प्रॉपर लेंगे। वसा के लिए तेल और घी, अगर आप ये सब लेंगे तो आप पूरा फिट रहेंगे। और यदि आप फिट रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी फिट रहेगी, आप फिट रहेंगे तो आपका परिवार फिट रहेगा। स्वास्थ्य का होना, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। तो ये शारीरिक, अब मानसिक विकास में देखिए, बुद्धि का चरम विकास हो जाता है इस उम्र में हमारा। कैसा हो जाता है? किशोरावस्था में बुद्धि का चरम विकास हो जाता है एक सीमा तक।
अंतर्मुखी प्रवृत्ति। अब इसमें देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ होते हैं अंतर्मुखी, कुछ होते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर बहुत सोचते रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, प्रदर्शित नहीं करेंगे, अंदर बहुत तूफान मच रहे हैं उनके, लेकिन बोलना नहीं है। और एक होता है बहिर्मुखी, जो बोल के सब क्लियर कर देता है। तो बहिर्मुखी वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं। अंतर्मुखी वाले बच्चों को कोशिश करना चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगी, अगर वो मेरी वीडियो देखे तो, कि बच्चों को यदि अंतर्मुखी प्रकार का बच्चा है तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य बिठाएं, ज्यादा से ज्यादा बात करें और उसका मन जानने का प्रयास करें, क्योंकि वो ऐसी अवस्था से गुजर रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है हमको जानना बहुत जरूरी है। और माँ बाप उनसे शेयर करें, एक फ्रेंडली की तरह, दोस्त की तरह, माँ अपनी बेटियों से और पिता अपने बेटों से। फिर स्वतंत्रता की भावना, इस समय बच्चों में स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, वो अपने आप किसी की दबेलदारी में रहना नहीं चाहते, किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहते, उनको लगता है हमने जो कह दिया बस वही होना चाहिए, पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं मतलब वो उसका विद्रोह भी कर सकते हैं, तो ये इसमें भावना आ जाती है। पीढ़ियों का अंतर, पीढ़ी अंतर आता ही है, आपके दादाजी है घर में, ठीक है, आपके मम्मी पापा है और एक आप है, तीनों में गैप आएगा। जैसे बच्चियां हैं, मान लो बच्चियां हैं शॉर्ट्स कपड़े पहन के निकल गई, दादा दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बच्चे बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली जो आजकल चल रही है, बाल रख लिए, ये दादा दादी पसंद नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। फिर कुछ रूढ़िवादिता होती है, कुछ अंधविश्वास होते हैं, छींक आ गई रुक जाओ, पेरेंट्स कहेंगे रुको, लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे, कहेंगे अरे मम्मी आप तो ऐसे ही बोलती हो, है ना। फिर कुछ लड़कियां हैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ रही, कुछ लड़के को एजुकेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप लड़के लड़की साथ में घूमने जा रहे हैं, बाहर पार्टीज करने जा रहे हैं, घर के पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इसका विद्रोह करेंगे कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं होता है आजकल, ये आप लोग समझते नहीं, आपके समय में नहीं होता होगा, हमारे समय में सब चलता है। तो ये जनरेशन गैप है। भ्रमण में अभिरुचि, बहुत शौक होता है इस उम्र में बच्चों को, यहाँ घूमने जाए वहां घूमने जाए, लेकिन कैरियर पहले, इसलिए बच्चों को कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। अभिरुचि है लेकिन पहले आप स्टेबल, आप अच्छे से अपना जो है स्थाई हो जाएं, एक जॉब कर लें, स्टेब्लिश हो जाएं, उसके बाद आप आराम से घूमें। संगीत एवं कला में अभिरुचि, कई बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है इस समय, तबला गायन, मोबाइल में इतने इतने ऐप आ गए हैं कि उसके उसको देख देख के बच्चे गाने की कोशिश करते हैं, खुद गाते हैं, सुनते भी हैं। पढ़ाई के समय माँ बाप कह रहे हैं मोबाइल में आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अब वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, क्योंकि इस समय इंटरेस्ट होता है बच्चों को नए नए गाने सुनने का, तो ये अभिरुचि होती है। कला में भी होती है, कोई कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, बहुत अच्छा हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये भी रहता है। कल्पना की अधिकता, दीवा स्वप्न, इस समय बच्चे जो देखते हैं, जैसे मान लो किसी को देखा, अपने जैसा किसी को मॉडल को देखा, तो उसके जैसा आपने उसको आदर्श मान के अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं, चाहे वो कोई हीरो हो, है ना, या लड़कियों के लिए कोई हीरोइन हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर कोई भी हो, आप उसको आदर्श, या तो हो सकता है कि आपका कोई आदर्श हो, स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं, या हो सकता है और कोई भी हो, भगत सिंह हो सकता है, राजगुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चे आजकल जो बच्चे कम इस तरह के, बाकी आप ये एक्टर एक्ट्रेस पे जाकर और अपने आप को दिव्या स्वप्न में कल्पना लोक की सैर करने लगते हैं, आप उनके जैसा अपने आप को समझते हैं। अध्ययन में रुचि, कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा अध्ययन में रुचि होती है इस समय, साहित्य बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हैं लेखकों की, है ना, प्रसिद्ध लेखकों की, तो ये बच्चों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं किशोरावस्था में भटक जाते हैं और वो किताब के अंदर दूसरी किताबें रख के भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बच्चे थोड़ा सा जो है वो भटके हुए होते हैं। और सामंजस्य की कमी, इस समय जो है उनमें सामंजस्य की कमी होती है, यदि पेरेंट्स कुछ कह दे, स्कूल में टीचर्स कुछ कह दें, समाज में परिवार में बाहर कोई कुछ लोग कह दें, तो उनका विरोध करने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, क्योंकि उस समय वो उग्र बहुत रहते हैं और उनको किसी से समझौता करने का कोई वो नहीं रहता है, उनको लगता है नहीं हम जो हैं वो सही है। तो इस तरह से शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये किशोरावस्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि शारीरिक विकास के लिए मैंने जो बताया वो सारे विटामिन्स आप लें, प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट लें, और मानसिक विकास में आपका तभी होगा जब आप ये शारीरिक विकास अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।